दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम लोग बात करने वाले हैं ये आईपी फ़ोन के बारे में। आईपी फ़ोन को कैसे कॉन्फ़िगर करें, कैसे नेटवर्क में लाएं। जो ग्रैंड स्टेम का आपको आईपी फ़ोन दिख रहा है उसको कैसे हम नेटवर्क पे लाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम बिगाड़े बिना शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों पहले हमको ये दिख रहा है, मैंने कन्फिगर किया ही हुआ है। मैं आपको खाली सेटअप ज़रा दिखा देता हूँ कैसे मैंने इसको कन्फिगर किया है, तो आपको भी आसानी रहेगी। तो दोस्तों हमें अभी जाना है, कॉल हिस्ट्री दिख रही है पर इसमें सब पे नहीं जाना है, हमको जाना है इसमें सिस्टम। आपको दिख रहा है सिस्टम में जैसे ही गए इसमें आपको दिख जाएगा नेटवर्क। ओके, नेटवर्क में जैसे ही गए आपको IPv4 सेटिंग दिख रहा है, तो IPv4 सेटिंग पे आपको ओके करना है। फिर इसमें हमको DHCP रखना है या स्टैटिक IP रखना है, तो मैं स्टैटिक IP रख रहा हूँ, तो मैं स्टैटिक IP पे टिक करूँगा। स्टैटिक IP पे टिक किया तो अभी मैं इस पर जाऊँगा स्टैटिक IP सेटिंग में। तो स्टैटिक IP सेटिंग में गया तो मैं स्टैटिक IP में टिक करूँगा, तो मुझे यही रखना है IP 192.168.1.183। अब मैं कर दूंगा इसको ओके। फिर नेटमार्क्स में जाऊंगा, फिर नेटमार्क्स में 255.255.255.0 रखना है, तो मुझे तो मैं भी इसको कर दूंगा ओके। गेटवे में जाऊंगा और गेटवे मुझे रखना है 192.168.1.249, तो मुझे ये रखना है तो ओके कर दूंगा। अभी इसका सब कुछ मुझे यही रखना है, बस इसको बैक जाने दूंगा। अब मेरा सब कुछ सेटिंग सेव हो गया है, तो मुझे इसको करना है रिबूट एक बार सेटिंग को प्रॉपर करने के लिए, तो मैं रिबूट करूँगा। तो जैसे दोस्तों ये रिबूट होगा, इसके बाद जो अपने आप कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की है वो हो जाएगा, और अगर नेटवर्क में आ भी जाएगा तो आपका जिस हिसाब से आईपी होगा, सबनेट मास्क होगा, गेटवे होगा, आपको देना रहेगा, तो इस हिसाब से आपका ये आईपी फ़ोन कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो अभी ये रिबूट हो रहा है, वेट करते हैं इसका स्टार्ट होने में। तो अभी ये रिबूट हो रहा है, देख रहे हैं आप जैसे। अब ये बूट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ओके, ये अभी रिस्टार्ट हुआ था इसके लिए आपको दिखा रहा है ये। लोडिंग यूज़र डाटा डन करके दिखा रहा है, तो जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे मैंने आईपी फ़ोन कॉन्फ़िगर किया हुआ था, आपको मैं जस्ट सेटअप दिखा रहा था इसका कि कैसे करना है, तो आपको भी कुछ परेशानी ना हो। अगर आपको आईपी फ़ोन कॉन्फ़िगर करने के दौरान कुछ इश्यूज़ आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं उसका कुछ भी आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। तो दोस्तों देखो अभी टाइमर जैसा कुछ दिखा रहा है, तो वहाँ पे अभी देखो यहाँ पे जो 444 नंबर है उसके वहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा, तभी आपको कन्फर्म होना है कि ये मेरा आईपी फ़ोन कॉन्फ़िगर हुआ है। अगर वो नहीं होगा, लैन से जुड़ा नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। तो आपको लैन का भी खास ध्यान रखना है कि मैंने लैन प्रॉपर लगाया है कि नहीं। ओके, तो उस हिसाब से हमको कॉन्फ़िगर करना है। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में कुछ भी अगर जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें, मैं अवेलेबल रहूँगा, आपके आंसर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों देखो जैसे सिंबल अभी नज़र आ रहा है, ये हमारा फ़ोन लग गया है। तो अभी मान लो मुझे किसी को भी फ़ोन लगाना है तो ट्राई करके देख लेते हैं। अभी मैं फ़ोन लगाऊंगा किसी को भी नंबर को, 44 मान लो मैं 3 को लगाऊंगा, मैं ट्राई करके देखता हूँ लग रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आपको आवाज़ आ रहा होगा, ये फ़ोन लग गया है। ओके, तो दोस्तों यही ऐसा ही था, बस यही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको भी आसानी रहेगी। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर दोस्तों, और सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।